चुनाव कराए जाए, इसका बायकॉट कांग्रेस ने करके पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन किया है और चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए। कांग्रेस ने देश के साथ, भारत माता के साथ, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया और कांग्रेस के पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की एक साजिश की। हमने हमेशा देखा है जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी शक्तियों को, जम्मू कश्मीर की नेशनलिस्ट फोर्सेस को हमेशा कांग्रेस ने कमजोर किया है और राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश के साथ एंटी नेशनल फोर्सेस, उनका हमेशा कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस ने बीडीसी चुनावों का बहिष्कार करके देश के साथ, लोकतंत्र के साथ और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, गद्दारी की। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि देश वन नेशन वन पार्टी के नक्शे कदम पर चल रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है राजनीति के लिए। एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून, एक देश एक मर्यादाएं, वो तो रहनी ही चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी भारत देश का एक और विभाजन करना चाहती है? कांग्रेसियों के डीएनए में खराबी है, कांग्रेसियों के डीएनए में गद्दारी। बीडीसी के चुनाव करने क्या जायज है डेमोक्रेसी में? को जो वक्त दिया वो तो लिमिटेड था, उनकी मजबूरी बात। अगर उनकी जगह आप होते तो आप क्या करते? मैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन पहली तारीख को होता है, 3 तारीख को विपक्षी नेताओं को हरियाणा किया जाता है, वो भी सिर्फ जम्मू में। सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये इवन रॉन्ग है, क्योंकि कांग्रेस का ये एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर पार्टी को फैसिलिटेट कर रही है, जबकि उनके सभी लीडर्स जो हैं वो सभी जगह पे कंपेन कर सकते हैं और इन लोगों को आप सिटी से बाहर भी नहीं जाने दे रहे, तो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन दे कैन पार्टिसिपेट? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भाग है चीफ इलेक्ट। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां चुनाव आयोग का बहुत बड़ा महत्व है और भारत देश का चुनाव आयोग की निष्पक्षता की मिसालें सारी दुनिया में दी जाती। हमें अपने चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर, उनके काम करने के तौर तरीके पर पूरा विश्वास है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी इस समय बहानेबाजी बना के देश दुश्मन ताकतों को मजबूत करने की साजिश कर रही है, इसलिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। कांग्रेस का कोई नेता हाउस अरेस्ट नहीं है, एक दो नेताओं को छोड़ के किसी भी नेता के खिलाफ कोई केसेस रजिस्टर नहीं है, प्रिवेंटिव कस्टडी में रखे गए हैं कुछ कश्मीर घाटी के नेता, क्योंकि ऐसी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ऐसी एप्रीहेंशन है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स कश्मीर के अंदर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, कश्मीर के हालात खराब कर सकते हैं, जिससे कश्मीर के अंदर खून खराबा हो। कश्मीर घाटी के कुछ नेता युवाओं को इंस्टिगेट करके कश्मीर के अंदर खून खराबा करने की साजिश कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर खून खराबा ना हो, कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के बच्चे हमारे बच्चे हैं, और वहां हालात खराब ना हो, हर व्यक्ति के जान माल की हिफाजत करना सरकार का काम होता है और जो लोग षड्यंत्र करेंगे कानून अपना काम करेगा, यह कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। इसलिए प्रिवेंटिव हाउस कस्टडी में है ताकि ये लोग इस प्रकार का षड्यंत्र ना करें, ताकि बेगुनाह लोगों का खून बहे। जम्मू कश्मीर की जनता की जान और माल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे और जो लोग हालात खराब करने की साजिश करेंगे, जो लोग कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की का खून सड़कों पर गिराने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी। बीजेपी
चुनाव आयोग तय करता है, इलेक्शन कमीशन तय करता है कि कब चुनाव होंगे, और जब इलेक्शन कमीशन ने यह तय कर दिया कि बीडीसी के चुनाव अक्टूबर महीने में होंगे, हम इलेक्शन कमीशन के कार्यप्रणाली में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो निर्णय चुनाव आयोग लेगा, इस देश के नागरिक होने के नाते से हम सबका दायित्व बनता है कि इस सारी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं। हम चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है हम उसी के मुताबिक अपनी चुनावी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे। लोन की बात की जाए या नूर मोहम्मद की बात की जाए, तीनों जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस है या हाउस अरेस्ट है, इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन सवाल बनता है सर यहाँ पे ये कि आप क्या बाकी कश्मीर में जो हाउस अरेस्ट है, जो लीडर्स है, उनको क्या आप रिहा नहीं कर सकते? क्या वो लॉ और ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते? 1000 से ज्यादा किसी को गिरफ्तार करना, किसी को प्रिवेंटिव कस्टडी में रखना या रिहा करना, ये कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें पॉलिटिकल, हमारा काम है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को ठीक करना। बाकी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। जहां भी कोई खराबी नजर आएगी कानून अपना काम करेगा, खराबी करने वालों को कानून का भी माफ नहीं करेगा। आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करता है कांग्रेस, लेकिन एक सवाल है सर आपसे, आप हमेशा ये कहते रहे, आपने कहा कि इस चुनाव का बहिष्कार किया उसका क्या, लेकिन कल जीएमपी सीधे तौर पर कहते हैं कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है और मजबूरी में ले ऑफ है और प्रशासन तो कहीं ना कहीं मददगार नहीं है, नेट सेवा बंद है, इंटरनेट सेवा बंद है, ऐसे में चुनाव कैसे होंगे? और इतने कम दिन आप देते हैं उन तमाम लोगों को नॉमिनेशन के लिए, कुछ बीच में छुट्टियां है, हाउस अरेस्ट है। मैं जम्मू कश्मीर के सरपंचों और पंचों को बधाई देता हूं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि कांग्रेस एनसी और पीडीपी के बाइकॉट के बावजूद भारी मात्रा में बीडीसी के चुनाव को लेकर नामांकन हुए हैं। सरपंचों और पंचों ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की बाइकॉट्स की काल को दरकिनार करते हुए भारी मात्रा में अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। सारे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, लद्दाख हो, हर जगह जहां पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने नामांकन भरे हैं। जम्मू कश्मीर के सरपंचों और पंचों ने कांग्रेस एनसी और पीडीपी के राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र को विफल किया है, उन्होंने नॉमिनेशंस भरी हैं। कम्युनिकेशन था तो वहां उन तक सूचनाएं पहुंची, सिक्योरिटी सिस्टम एडिक्वेट था तो पंचीज और सरपंचीज ने हर ब्लॉक के अंदर जाके कश्मीर घाटी में अपने नामांकन भरे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के चुने हुए सरपंचों और पंचों को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है और हौसला जनता का बढ़ाया है जो उन्होंने अपने नामांकन पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किए हैं। और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के षड्यंत्रकारी मंसूबों को फेल किया है, एक तमाचा लगाया है सरपंचों और पंचों ने उन पॉलिटिकल पार्टीज के चेहरे पर जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम को कमजोर किया, जिन्होंने सरपंचों और पंचों को पहले गुलाम बना के रखा था। लेकिन रैना जी, जिन पार्टियों के अध्यक्ष ही नजर बंद हैं तो वो पार्टियां चुनाव के बारे में सोच सकती हैं? इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अकेले उतरेगी? सिर्फ एक सवाल इनके साथ ही जोड़ूंगी, आज पैंथर्स पार्टी ने भी कहा कि हम बहिष्कार करें, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी आई वर्सेस माई सेल्फ की पॉलिसी पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी साहब का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लोकतंत्र की मजबूती, पंचायती राज का सशक्तिकरण। 70 साल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने यहाँ कभी
पंचायती राज सिस्टम को मजबूत नहीं होने दिया, कभी यहाँ 73rd 74th अमेंडमेंट लागू नहीं की, सरपंचों और पंचों को गुलाम बना के रखा था कांग्रेस ने। और आज जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी सरपंचों और पंचों को पूर्ण अधिकार दिए, तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पर फ्लॉरिश करे। हम चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग के नियम अनुसार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव लड़ रही है, और हम प्रयास करेंगे हर जगह, कश्मीर घाटी हो, लद्दाख हो, जम्मू रीजन हो, हर जगह जाकर हम सरपंचों और पंचों से आह्वान करेंगे वो बढ़ चढ़ कर मतदान करें। पार्टी ये बताइए कि सरकार इतनी आनंद फानंद में क्यों है चुनाव करवाने के? 31 अक्टूबर से पहले आपको इतनी क्या फंसी पड़ी है कि आप चुनाव करवाने जा रहे हैं? 73वां संशोधन लागू किए बिना आप चुनाव करवाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ही पार्टी बेस पे आप चुनाव करवाने जा रहे हैं, यहाँ तक कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी आप वायलेशन कर रहे हैं। कल प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो अनाउंसमेंट किया 5300 फैमिलीज को 5.5 लाख रुपया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसी दिन लागू हो गया जिस दिन चुनाव घोषित हुआ। तो ये लग नहीं रहा कि एक नेशन एक पार्टी थ्योरी चला रही है क्या? चुनाव, ये सवाल का जवाब दीजिए, चुनाव क्यों इतनी जल्दबाजी है? चुनाव कब होंगे, किस डेट्स को होंगे, इसका निर्णय चुनाव आयोग करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकारें नहीं करती। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर तैयार नहीं हो तो चुनाव आयोग कैसे चुनाव कराएगा? ये प्रश्न चुनाव आयोग से पूछा जाए। मैं तो पॉलिटिकल पार्टी को हेड करता हूँ। आप क्रेडिट ले रहे हैं, बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि ये बीजेपी क्रेडिट ले रही है कि वो पंचायतों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। आपने आपने अनाउंस किया, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, ये चुनाव 73वें संशोधन लागू किए बिना करवाए जा रहे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट पार्टी भी इसके होने चाहिए ये चुनाव। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज का जो चुनाव है ये 3-tier सिस्टम का भाग है, जो 73वें संशोधन का महत्वपूर्ण अंग है। एक बार इसलिए जब BDC के चुनाव हो रहे हैं तो वो सभी संशोधन जो 73वें संविधान के अंदर हैं वो लागू किए जाएंगे, लागू हुए हैं, ये उसी का एक भाग है। और चुनाव पार्टी बेसिस पर हो रहे इसका निर्णय भी चुनाव आयोग ने किया है, इसका चुनाव सरकार ने नहीं किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेट कर रहे हैं, आपने अभी अनाउंस किया 5.5 लाख रुपया, उसमें अगर कोई वायलेशन है तो वो चुनाव आयोग देखेगा। चुनाव हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र है, इसको कोई प्रेशर नहीं है। हुए कहाँ पूरे